टप्पू से ना सुबह सुबह कहाँ गए थे? हम लोग मंदिर गए थे। आप लोग मंदिर? क्या हो गया भाई आज? विस्तार में समझाए तो आज हम लोग का रिजल्ट है, और अगर हम लोग फेल हो गए तो हमारे मम्मी पापा हमें सजा देने के बजाय खुद को ही सजा देंगे। अरे अरे बच्चों, तुम लोग इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे चिंता मत करो बच्चों, आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स, ऑल द बेस्ट। और मैं कहती हूँ ना टप्पू से ना, तुम सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, डोंट वरी। थैंक यू आंटी। चलो थैंक यू, बाय। थैंक यू आंटी, ऑल द बेस्ट। वैसे बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे थे अंजना, आप बड़े परेशान रहते हैं बच्चों के रिजल्ट के लिए। कल जेठालाल भी बड़ा परेशान था टप्पू के रिजल्ट के लिए। मेरे ख्याल से मैं जेठालाल के घर जाके उसे समझा के आता हूं। चलो अच्छा है, जेठालाल के घर दया भाभी के हाथ का मस्त नाश्ता और चाय तो मिलेगी। मैं जरा आता हूँ जेठालाल के घर जाके। एक मिनट, जाइए पर ये पी के जाइए। हे भगवान, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत कुछ मांगा है और आपने भी बड़ा दिल रख के काफी कुछ मुझे दिया है, तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज एक और चीज दे दीजिए, मेरे टप्पू को अच्छे नंबर से पास कर दीजिए। ये क्या हुआ? अरे दया, क्या हुआ? कुछ नहीं, जूस रखने का कांच का जग गिर के टूट गया। तुझे लगा तो नहीं? मुझे कैसे लगेगा, जग गिरा है, मैं नहीं। अरे भाई, तो गिरे हुए जग के कांच का टुकड़ा तुझे लग गया तो नहीं, ऐसा पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ए, वैसे कांच टूटना तो शगुन होता है नहीं? थैंक यू। फिर तो जरूर भगवान ने कुछ चुप होने का इशारा किया है। टप्पू के पापा, एक कांच टूटे तो शगुन होता है, लेकिन मैंने सुना है कि दूसरा कांच भी साथ में टूटता है तो अब शगुन होता है। अच्छा, और वो कांच के जग के साथ कांच का गिलास भी था, वो भी गिर के टूट गया। फिर तो ये नक्की अब शगुन हुआ। दया, किधर रहता है तेरा ध्यान? कांच की कोई भी एक ही चीज तोड़नी चाहिए ना। क्या करूं, वो टप्पू के रिजल्ट का टेंशन है ना। तो मम्मी, मेरा टेंशन मत लो, मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। ये लीजिए प्रसाद। जय मत, ये लीजिए पापा। तुझे पूरा यकीन है बेटा? नहीं पापा, पर ऐसा बोलने से दिल को अच्छा लगता है। टप्पू! अरे भाई जेठालाल कहाँ हो? अरे मेहता साहब, आइए आइए आइए। जेठालाल, चाय नाश्ता हो गया? नहीं नहीं, आ मेहता साहब के लिए भी चाय बना। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ चाय नहीं, नाश्ता भी करूंगा जेठालाल। मेहता साहब, हमारे घर में चाय के साथ नाश्ता आता ही है, नाश्ते के लिए अलग बोलना नहीं पड़ता है। तुम्हारे यहाँ तो नाश्ते के लिए बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जब अंजलि से चाय मांगता हूँ तो वो सिर्फ चाय ही देती है, वो भी ग्रीन टी, इसलिए कह दिया। और टप्पू, रिजल्ट आ रहा है आज? हाँ। अरे हाँ भाई, रिजल्ट के टेंशन में ही कल से दिमाग काम नहीं कर रहा है। जेठालाल, तुम समझदार हो क्या ऐसी बातें कर रहे हो? अरे बच्चों के इम्तिहान का रिजल्ट है, जिंदगी का रिजल्ट नहीं है। अरे इम्तिहान में बच्चा एक आध बार फेल हो जाए तो वापस इम्तिहान दे सकता है, लेकिन माँ बाप इतने प्रेशर में आ जाते हैं ना कि उनके इस प्रेशर की वजह से बच्चे भी प्रेशर में आते हैं, उनके दिमाग पे असर होता है। इसलिए इतना टेंशन मत लो। और देखो जेठालाल, बच्चे तो बिल्कुल फूल की तरह होते हैं, अगर तनाव रहित वातावरण में खेलेंगे तो ही सुंदर बनेंगे। आपकी भविष्यवाणी बराबर है मेहता साहब, मेरा टप्पू बड़ा होकर सुंदर वीरा जैसा ही बनेगा। अरे तू क्या बिना सोचे समझे चालू गाड़ी में चढ़ जाती है। मेहता साहब तेरे सुंदर वीरा की बात नहीं कर रहे थे तो? वो मैं तुझे बाद में समझाऊंगा, ये चाय नाश्ता अभी यहाँ रखना है कि दिखा के वापस अंदर लेके जाना है? सॉरी सॉरी। लीजिए मेहता साहब। थैंक यू। हाँ थैंक यू देव। खाइए मेहता साहब। जी जी। क्या हुआ पापा, क्या हुआ मेहता अंकल? ये क्या बनाया तूने?
या ढोकड़ा है कि गला बंद करने का डट्टा? कितना नमक डाल दिया तूने इसमें? सॉरी, टप्पू के रिजल्ट की चिंता में सब गड़बड़ हो रही है। आज सुबह दूध को छाछ समझकर उसमें कढ़ी का वगार कर दिया। टप्पू के पापा के शर्ट को इस्त्री करते हुए जला दिया। क्या? सॉरी टप्पू के पापा। देखिए दया भाभी, रिजल्ट तो वही आएगा जो आने वाला है। आप लोगों की चिंता करने से रिजल्ट बदल तो नहीं जाएगा, और टप्पू वैसे भी बुद्धिमान बच्चा है, इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। थैंक यू। मैं तो सर, आप चाय पीजिए, तब तक मैं दूसरा ढोकला बनाकर लाती हूँ। ले भाई ले। सॉरी, जल्दी ला दे। हाँ। दया! आए टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे चाय में कौन सा मसाला डाला है तूने? क्यों, कैसा टेस्ट आ रहा है? पाव भाजी जैसा दया भाभी। सॉरी, वो मैंने वो टेंशन में गलती से चाय के अंदर पाव भाजी का मसाला डाल दिया। दया! कोई बात नहीं जेठालाल, दया भाभी कोई बात नहीं, आप मुझे पाव दे दीजिए, मैं पाव भाजी पी लेता हूँ। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है पाव खा लेता हूँ और चाय पी लेता हूँ। सॉरी, आप बैठिए, मैं फटक से दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, रहने दीजिए अब। बेटे साहब, सिर्फ 10 मिनट लगेगी। अरे 10 मिनट की बात नहीं है दया भाभी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है असल में। अरे बेटे साहब, आप बिना खाए जाएंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। दया भाभी आप बुरा मत लगाइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, असल में मेरे ही भाग्य में अच्छा खाना नहीं है, वरना आप तो वर्ल्ड की नंबर 1 कुक है। चलता हूँ। मेहता साहब 2 मिनट रुक जाते, दया अभी फटाफट चाय नाश्ता बना देगी। जेठालाल मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलता हूँ। ओके टप्पू, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। हाँ, और हाँ जेठालाल, दया भाभी आप इसके रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ओके चलता हूँ। अरे मेहता साहब, बाय बाय बाय। अरे माधवी, ये झालं की नहीं? अरे रिजल्ट लेने जाना है, सुनो तैयार हुई की नहीं? और मेरा कुर्ता कहाँ है? ये लीजिए कुर्ता आपका। हाँ, सुबह से घाई 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 कर रहे हो, जाने के लिए टाइम है अभी। सुनो तैयार हुई कि नहीं अभी तक? हाँ बाबा, हो रही है तैयार, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन मत लीजिए, एक तो आज रिजल्ट का दिन है, तुम जरा पानी लेके आना प्लीज। आप स्कूल में ऐसे आने वाले हो? हाँ क्यों? बटन लगाइए जरा। अरे बटन में बाद में लगा लूंगा ना माधवी। बटन कहाँ है? पीछे है बटन। कुर्ता उल्टा पहना है आपने। अरे देवा, काय चल रहा है? ठीक है मैं कुर्ता सीधा करता हूँ, तब तक तुम पानी लेके आओ जा। ठीने, टेंशन। देवा, आज सुनू का रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत अच्छा लगा ना देवा, प्लीज कृपा कर बाबा, कृपा कर, लवकर पानी आण माधवी। ठीक है। ये क्या है माधवी? मैंने पीने के लिए पानी मांगा था, तुम तपेला भर के पानी लेके आई, आता क्या गोड़ी भरून पहुँचे चार? ओहो, सुबह से 25 ग्लास पानी पी चुके हो आप, हर 5 मिनट बाद पानी मांग रहे हो, इसलिए तपेली ही लाके रख दी। जितना पानी पीना है ना उतना पियो। वाह माधवी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ पे रिजल्ट के टेंशन के मारे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। आप नाखून मत खाइए हो, आपको क्या लग रहा है सोनू का टेंशन सिर्फ आपको है, मुझे है ही नहीं। वही तो प्रॉब्लम है माधवी, तुम्हें सिर्फ सोनू की टेंशन है, लेकिन मुझे उन सारे बच्चों का टेंशन है जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं। भगवान ना करे माधवी, अगर किसी एक बच्चे को कम मार्क्स मिले या वो फेल हो गया तो मेरा नाम तो खराब हो गई, साथ में उस बिचारे का पूरा साल खराब हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप हिमालय में जाइए, वहाँ एक पैर पे खड़े होके भगवान की तपस्या कीजिए, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे ना तब उनसे वरदान मांगिए कि भगवान मेरे हर एक स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स से पास कर देना। काय बोलते हैं तू माधवी, अगर उस स्टूडेंट ने गलत जवाब लिखे या उसने पेपर नहीं लिखा ठीक से तो भगवान भी इसमें क्या कर सकता है? शाबाश, तेज मंटे मी, आपने बच्चों को बराबर पढ़ाया ना। हाँ? मतलब आपने आपका काम बराबर कर दिया, अब बच्चे जैसा लिखेंगे वैसे उनको मार्क्स मिलेंगे, तो आप ही टेंशन लेके कुछ फायदा है नहीं ना, इसलिए टेंशन मत लीजिए, नाखून खाइए आप। अरे देवा,
आई वेडे झालेत ते रिझल्टच्या टेंशनने वेडे झालेत वेडे. बाबा इतना टेंशन मत लो, मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी. शाबाश सोनू शाबाश. पर पूरे स्कूल में फर्स्ट आऊंगी उसकी गारंटी नहीं है. हंस आते आते गोली की टाई लाना प्लीज और जल्दी करो, रिजल्ट लाने जाना है. हाँ ले आया ले. हाँ गुड. क्या हुआ हंस? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कोमल. क्यों? कहीं गोली का रिजल्ट गोली की तरह ना लगे. मेरी तो रिजल्ट लेने जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है. मम्मी पापा आप लोग मेरे रिजल्ट की जरा भी टेंशन मत लो, मैंने एग्जाम में भर भर के लिखा है, रिजल्ट अच्छा आना ही है. बेटा हमने भी तेरे लिए भर भर के सपने देखे हैं कि तू बड़ा होकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा. पापा आप टेंशन मत लो, मैं अगर डॉक्टर नहीं बन पाया ना तो मैं कुक बनूंगा. कुक? हाँ? कुक? हाँ, और एक अच्छी और सस्ती होटल खोलूंगा जिसमें गरीबों को सस्ता और अच्छा खाना मिलेगा. इसमें दो फायदे हैं, लोगों की दुआ भी मिलेगी और हमें अच्छा खाना भी मिलेगा. ये भी सही बात है. पापा हम लोग आज के जमाने के बच्चे हैं, हमें हमारा करियर बनाना आता है. मम्मी पापा मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा. गोली कितना समझदार हो गया. नहीं सही बात है. चलो बेबी गेट रेडी फास्ट, रिजल्ट आने जाना है. दो मिनट में तैयार हो गया है. ओके गुड. अरे दया कितनी देर, जल्दी ला नाश्ता भाई. सब तैयार होके कंपाउंड में आ जाएंगे और इसका अभी तक नाश्ता ही तैयार हो रहा है. हाँ बोले नाडू काका. हेलो सेठ जी, आज मैं दुकान पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा कुछ कह नहीं सकता. क्यों क्या हुआ? मैं और बागा जहाँ रहते हैं ना वहाँ पानी का नल लीकेज हो रहा है. पानी टपक 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 टपकता ही रहता है. और आप तो अच्छी तरह जानते हैं सेठ जी कि पानी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, हम उसका नुकसान नहीं कर सकते. इसलिए जब तक नल रिपेयर नहीं हो जाता मैं दुकान नहीं आ सकता. अच्छा अच्छा, लेकिन बागा तो दुकान जाने वाला है ना? अरे वो तो कब का पहुंच गया और बोनी भी कर ली. अच्छा क्या बेचा? फ्रिज टीवी के वॉशिंग मशीन? नहीं नहीं सेठ जी, एक आदमी 10 रुपए का रिचार्ज करा के गया. अच्छा ठीक है. अच्छा सेठ जी आप दुकान कब तक पहुंच रहे हैं? अरे हाँ नटू काका सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, आज टप्पू का रिजल्ट है तो मैं आज दुकान नहीं पहुंच पाऊंगा. नहीं नहीं सेठ जी, आज तो आपको दुकान आना ही पड़ेगा. क्यों? आज हमारी दुकान का गुमास्ता लाइसेंस रिन्यू करना है ना, तो उसके फॉर्म पे आपको साइन करनी पड़ेगी ना. तो प्लीज आप दुकान आ जाइए. और ऐसा है तो फॉर्म पे साइन करके चले जाइए. अरे लेकिन आप घर पे तो फिर फॉर्म कहाँ है? बागा के पास है, मैंने उसे सब समझा दिया है. He will help you to do the needful. मतलब मैंने उसे सब समझा दिया है, वो आपकी फॉर्म पे साइन ले लेगा. अरे क्या मुसीबत है. चलो ठीक है फोन रखो मैं जाता हूँ दुकान. ये भगवान है तो रिजल्ट का टेंशन, ऊपर से नई मुसीबत. अरे दया अभी नाश्ता रहने दे, मैं दुकान जाके आता हूँ. बाबूजी टप्पू का रिजल्ट लेने नहीं जाना है? जाना है ना. पर तू तो दुकान जा रहा है. वो नटू काका का भी फोन आया था बाबूजी, वो दुकान के गुमास्ता लाइसेंस के फॉर्म पे मेरे साइन कुछ उनको चाहिए, तो मैं बस फटाफट यूं जाके यूं वापस आ जाता हूँ. टप्पू के पापा नाश्ता तैयार है? दे अभी नहीं, अभी बहुत लेट हो रहा है, मैं जरा दुकान जाके आता हूँ. अभी? हाँ वो थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं बस फटाफट जाके फटाफट आ जाता हूँ, फिर जाते हैं टप्पू के रिजल्ट के लिए. टप्पू के पापा देखिए अन्न का ऐसे अनादर नहीं करते, थोड़ा सा खाकर जाइए ना. ओहो चल ला था, जल्दी ला चल. हाँ. चटनी रख दे. अरे क्या कर रही है दया? सॉरी. क्या हुआ बाबूजी? ये देखिए शर्ट पे चटनी इसने गिरा दी. अरे तो उसमें क्या, जाकर दूसरा शर्ट पहन ले. आप अंदर रहिए मैं आपको दूसरा शर्ट देती हूँ. कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ले लेता हूँ मेरा शर्ट. कमाल है, सोसाइटी में कर्फ्यू लगा. अरे अब्दुल भाई ये आज सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पोपट भाई आपको पता नहीं क्या, आज बच्चों का रिजल्ट है इसलिए सब टेंशन में. ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए कल रात को कोई सोडा पीने भी नहीं आया था. हाँ
और अब्दुल मैं चलता हूँ, मेरे पास बहुत काम है। हाँ? मेरे पास काम है का क्या मतलब है भाई, मैं बेकार हूँ? मेरे पास भी बहुत काम है। ओ जेठालाल। और जेठालाल? हाँ मजे में भाई। क्या बात है, बहुत जल्दी मिलने लग रहे हो। हाँ भाई बहुत जल्दी, मैं कुछ काम है पोपटलाल। ए, तुमने एक बात पे ध्यान दिया क्या? हम दोनों के नाम में एक चीज कॉमन है। क्या है? सेम टू सेम है। मेरा और तुम्हारा नाम में? हाँ। क्या? लाल। जेठालाल पोपटलाल। अभी मैं लाल में से पीला हो जाऊं उसके पहले मुझे दुकान जाना था, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अरे क्या लेट हो रहा है जेठालाल, तुम्हारी खुद की तो दुकान है, लेट जाओ नहीं जाओ तुम्हें कौन पूछने वाला है। हाँ बराबर है, चलो जेठालाल। अरे आज टप्पू का रिजल्ट आने वाला है। नहीं अरे भाई उसी का तो टेंशन है। कितना मजा आता होगा ना ये टेंशन में। मेरी भी शादी हो गई होती तो मेरे भी बच्चे होते और मैं भी रिजल्ट के ऐसे टेंशन का लुत्फ उठा रहा होता। अरे भाई डूंगर दूर थी झड़िया हमना, मतलब पहाड़ दूर से ही अच्छे लगते है। नजदीक जाओ ना तो पहाड़ में से सांप निकलते है, खड़ा टेकरा होता है, शेर निकलता है। शादी का भी ऐसा ही है, एक बार शादी करो ना तो फिर शादी के बाद बीवी के साथ झगड़ा होता है, खाने में नमक ज्यादा पड़ता है, शेर जैसी सास कभी घर पे आ जाती है तो कभी लोमड़ी जैसा साला आ जाता है घर पे। फिर भी मुझे तो डूंगर से शादी करनी है। तो डूंगर ढूंढो और पड़ो खाई में, लेकिन मुझे अभी दुकान जाना था, मुझे जाके वापस आना है। क्यों? ओ मैं वापस आकर बताऊंगा। हाँ चलो। जेठालाल बाय। अरे तुम्हारी शर्ट। हाँ मस्त है ना, थैंक यू। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे बबीता जी गुड मॉर्निंग, क्या बात है आपका, जब भी देखो आप एकदम फ्रेश तरह ताजा दिखते हैं। क्या राज किया है, वो मुल्तानी मिट्टी या चंदन का लेप? इट्स कॉल्ड वाटर थेरेपी। ज्यादा पानी पीजिए, फ्रेशनेस अपने आप आ जाएगी। हाँ तो मैं तो रोज का 3-4 ग्लास पानी तो पीता ही हूँ, फिर भी। नहीं नहीं नहीं, कम से कम दिन में 10-12 ग्लास पानी पीना जरूरी है। ओहो हो हो, मतलब मैं पीता हूँ उससे 3 गुना ज्यादा, 4 तरी बार। ओ हो हो, बबीता जी गजब कैपेसिटी है आपकी पानी पचाने की। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। तुम्हारा शर्ट पीछे से खतरनाक जला हुआ है। टप्पू के मेरी झटके की चिंता में सब गड़बड़ हो रही है। टप्पू के पापा के शर्ट को इसलिए करते हुए जला दिया। वैसे जेठा जी टप्पू का रिजल्ट आया कि नहीं? नहीं नहीं आया, उनको इसी बात का टेंशन। ओ कम ऑन जेठा जी, आप क्यों इतना टेंशन लेते हो? टप्पू इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड आई एम श्योर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जेठालाल मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके बबीता जी। ओके बाय, सी या। जेठा जी आप ऐसे रिवर्स में क्यों चल रहे हो? बबीता जी वो क्या हो? बबीता जी ने मुझे पूछा, मुझे बोलने दो भाई। तुम बोल पाओगे? हाँ उसमें क्या है। बबीता जी मैं जरा चेकिंग कर रहा था, वो गाड़ी जैसे रिजर्व में जाती है पीछे, तो देख रहा था कि क्या इंसान भी ऐसे रिजर्व में जा सकता है, तो जा सकता है। देखो टप्पू के पापा। दया कुछ बोलना मत, मुझे सब पता है। नहीं नहीं आपको कुछ पता नहीं है, सुनिए तो सही। ये धरती माँ दया कुछ बोले उसके पहले मुझे मारक दे दीजिए। मित्रों कई बार मुझे महसूस होता है कि मेरे परम मित्र का नाम बदल के जेठालाल से टेंशन कुमार रख दो, भाई परेशानियां उनका पता ढूंढ ही लेती है। अब देखिए ना, हमेशा कोशिश करते हैं बबीता जी को इंप्रेस करने की और अपना मजाक बनवा के लौटते हैं। कहते हैं ना किसी पुरुष की सफलता में उसकी पत्नी का हाथ होता है, लेकिन यहाँ जेठालाल की परेशानियां बढ़ाने में दया भाभी का हाथ नहीं, उनकी जुबान है। अब देखना यह है कि इस वक्त
क्या होता है, क्या जेठालाल का बबीता जी के सामने पोपट होता है, क्या दया भाभी परेशानियां और बढ़ाती है जेठालाल के लिए, क्या जेठालाल की मेहनत पे पानी फिर जाता है। भाई जेठालाल का टेंशन इधर बढ़ेगा और इधर आपके घरों में हंसी बढ़ती रहेगी। बढ़ने दीजिए टेंशन का पारा, हंसते रहेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।